अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको योनो लाइट SBI बैंक को रूटेड डिवाइस के अंदर रन करने का मेथड बताऊंगा। इससे पहले भी मेरी बहुत सारी वीडियोस मेरे चैनल के ऊपर अपलोड है जिनमें मैंने बैंकिंग ऐप को रूटेड डिवाइसेस के अंदर रन करने का मेथड बताया हुआ है, लेकिन व्यूअर्स की स्पेशल रिक्वेस्ट के ऊपर मैं अब योनो लाइट SBI ऐप को स्पेसिफिकली जो है वो रन करके दिखाऊंगा। और अगर आप बाकी जो है वो देखना चाहें कि बैंकिंग ऐप्स को किस तरह से रन करते हैं रूटेड डिवाइस के ऊपर, तो वो आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं। वो यूनिवर्सल मेथड है और आप उस मेथड से किसी भी बैंक को रन कर सकते हैं रूटेड डिवाइसेस के अंदर। ये भी सेम वही वाला प्रोसेस है, लेकिन स्पेसिफिकली मैं यहाँ पे योनो लाइट SBI ऐप को यूज़ कर रहा हूँ, तो आप इस मेथड को फॉलो करते हुए बाकी बैंकिंग ऐप्स भी रन कर सकते हैं। तो चलें फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट कि प्लीज़ चैनल की सपोर्ट और मोटिवेशन के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ में ही बेल के आइकॉन को भी लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बरवक्त मिल सके। साथ में ही मेरे टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे टिप और ट्रिक्स आपको एक ही चैनल के एक ही पेज के ऊपर डाउनलोड्स के साथ मिल जाएंगे। तो चलें फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो फ्रेंड्स, आपका मोबाइल रूटेड होगा और उसके अंदर जो है वो मैजिस्क इंस्टॉल होगा। सेकंड पे आपको फ्रेंड्स MT मैनेजर चाहिए, और MT मैनेजर इंस्टॉल करने का जो APK है वो मैं अपने को डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास योनो बैंक लाइट होना चाहिए, और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे रूटेड डिवाइस का मैसेज आ गया है कि आपकी जो डिवाइस है वो रूटेड है। तो इस डिटेक्शन को हमने किस तरह से डिसेबल करना है और ख़त्म करना है, और योनो SBI बैंक को हमने किस तरह से रन करना है अपने मोबाइल के अंदर, तो सबसे पहले जो काम करना है आपने वो आपने मैजिस्क में जाना है। यहाँ पे आपने सेटिंग में आना है। सेटिंग में आने के बाद कॉन्फ़िगर डिनाइल लिस्ट में आना है आपने, और यहाँ से फ्रेंड्स आपने योनो SBI बैंक को सर्च करना है। ठीक है, ये आ गया योनो लाइट SBI। यहाँ पे आपने फ्रेंड इसको हाइड करना है डिनाइल लिस्ट में, और उसके बाद फ्रेंड्स आपने बैक पे आना है। और यहाँ से फ्रेंड्स आपने एक और काम करना है कि सबसे पहले तो आपने अपनी सेटिंग में आना है, और अगर आपकी डेवलपर ऑप्शन ओपन है तो इसको आपने डिसेबल कर देना है। ये डेवलपर ऑप्शन है, इसको डिसेबल कर लें। डिसेबल करने के बाद आपके पास एक और चीज़ होनी चाहिए कि आपके पास कोई भी फाइल एक्सप्लोरर हो उसमें जाएं, और अपनी इंटरनल स्टोरेज के अंदर अगर आपके पास TWR का फोल्डर है तो इसको आप सिंपली डिलीट कर दें। ये दो काम करने के बाद आपने एक तीसरा काम करना है, और वो ये है कि जो मैंने एप्लीकेशन आपको दी हुई है यहाँ पे MT मैनेजर में टॉप के ऊपर, ये आप देख सकते हैं hidebank.sh, ये एक स्क्रिप्ट है और इसको आपने रन करना है। लेकिन रन करने से पहले फ्रेंड्स आपने बैक पे आना है, सेटिंग में आना है, और सेटिंग में आके आपने ऐप्स में आना है। ऐप्स में आने के बाद आपने मैनेज ऐप में आना है, और मैनेज ऐप में आपने सर्च करना है योनो SBI बैंक को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं योनो लाइट SBI, और उसके बाद फ्रेंड्स अगर आप यहाँ से डायरेक्टली इसको चेक करें ऐप इन्फो में, तो यहाँ पे हमारे इस यहाँ पे मज़ीद इन्फो नहीं आती। ऊपर एक डॉट्स होता है या आई का बटन होता है जहाँ से आपको इसकी एप्लीकेशन नेम जो है पैकेज नेम वो आपको शो होता है, जो कि यहाँ से डायरेक्टली नहीं शो रहा। इसलिए हम सेटिंग में गए हैं, और सेटिंग में ऐप मैनेजर के अंदर जाके ये योनो लाइट SBI बैंक को हमने डिटेक्ट किया है, सर्च किया है। और उसके बाद जब आपके पास ये स्क्रीन आ जाए तो ये आई के बटन को प्रेस करें। यहाँ पे आप फ्रेंड्स देख सकते हैं कि जो थर्ड ऑप्शन है APK नेम, ये देखें ये थर्ड ऑप्शन, इसको आपने फ्रेंड्स एक दफ़ा प्रेस करके कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपने MT मैनेजर में आना है, और ये हाइड बैंक ऐप जो है इस पर एक दफ़ा टैप करना है। टैप करने के बाद आपने एडिट के बटन को प्रेस करना है, और ये जो आपको पैराग्राफ नज़र आ रहा है फ्रेंड्स, इसको आप चाहें तो सिंपली सारा डिलीट कर लें, नहीं तो आप सिंपली जो है इसके अंदर SBI बैंक की जो हमने फाइल का नाम कॉपी किया था या पैकेज नेम कॉपी किया था उसको हमने यहाँ पे पेस्ट कर देना है। मैं दोबारा से बता देता हूँ, आपने ऐप इन्फो में आना है, APK नेम को यहाँ पर टैप करना है, कॉपी टू क्लिप बोर्ड में आ गया, और उसके बाद यहाँ पे आके आपने पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद इसको आपने सेव कर लेना है, और सेव करने के बाद बैक के बटन को आपने प्रेस करना है। अब आपने फ्रेंड्स यहाँ पे hidebank.sh को प्रेस करके
एग्जीक्यूट कर देना है। जैसे ही आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो आप डेस्कटॉप पे देख सकते थे कि मेरे पास मैजिक्स की ऐप थी, अब वो हाइड हो गई है। और उसके बाद जो योनो लाइट एसबीआई बैंक है इसके ऊपर लॉन्ग प्रेस करना है, ऐप इन्फो में आना है, और ऐप इन्फो में आने के बाद यहाँ पे स्टोरेज और क्लियर कैशे करना है, क्लियर स्टोरेज करना है। और उसके बाद अब आप योनो लाइट एसबीआई बैंक को रन कर सकते हैं यहाँ पर अपने मोबाइल के अंदर, कोई भी मसला नहीं होगा। आपका जो एसबीआई बैंक एरर दे रहा था रूटेड डिवाइस डिटेक्ट करने का, वो ख़त्म हो गया है और अब आप जो है वो प्रोसीड कर सकते हैं लॉगिन के लिए, और आपकी यहाँ पे मैसेजिंग के लिए आपके पास स्क्रीन आ चुकी है। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी वीडियो, उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल की सपोर्ट और मोटिवेशन के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ में ही बेल के आइकॉन को भी लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको बरवक्त मिल सके। साथ में ही मेरे टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे टिप और ट्रिक्स आपको एक ही चैनल के एक ही पेज के ऊपर मिल जाएंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।